हाँ जी, कल हमने बात कर ली थी राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कितने देशों से बड़ा है? 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। बेल्जियम से कितना गुना बड़ा है? अगर पूछ ले चेकोस्लोविया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, और अगर पूछ ले इसराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 3 गुना छोटा है। यूक्रेन से लगभग 1.6 गुना छोटा है। जर्मनी के और इंग्लैंड के सॉरी जर्मनी और जापान के लगभग, जर्मनी या जापान हम कह सकते हैं, इटली और जापान के लगभग समान। अब बात की जाए राजस्थान के कुछ विशेष आकृति वाले जिले थे, जिनमें से पहला जिला हम बात करें, अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति किस जिले की है, तिलकनुमा आकृति किस जिले की है, अगर पूछ ले अनियमित बहुभुज की आकृति किस जिले की है, जैसलमेर की, अगर पूछ ले पिस्टल के समान या पिचकारी के समान, बारा जिले की, सुराही के समान जयपुर जिले की, अगर पूछ ले कहीं पर भी धनुषाकार आकृति किसकी है, लेकिन मयूर जैसी आकृति, आयताकार आकृति भीलवाड़ा की, आयताकार आकृति भीलवाड़ा की, और त्रिभुजाकार आकृति अजमेर और डूंगरपुर जिले की। तो ये विशेष आकृति वाले जिले थे। अब हम आज चर्चा करें क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? राजस्थान के 5 सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़े जिले, अब सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले और सबसे बड़े जिलों की बात करें तो ये कौन से क्रम में लिखूंगा मैं इनको? अवरोही क्रम। हाँ जी, अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा विद्वानों? जैसलमेर। और जैसलमेर जिले की क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और अगर पूछ ले कितने प्रतिशत है तो 11.22% है। कितने प्रतिशत है? 11.22% है। ये नहीं, नहीं, प्रवीण जी के पास जाओ, राजनीतिक मानचित्र जो है ना वो चाहिए। हाँ जी, अगर बात की जाए कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है जैसलमेर में, सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 30,283 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 30,283। तीसरा है, तीसरा कौन सा होगा? बाड़मेर। और बाड़मेर जिले का जो क्षेत्रफल है वह है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और चौथा जो जिला होगा वो होगा आपका जोधपुर। और जोधपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में सबसे छोटे जिले क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले कौन से होंगे? सबसे छोटे जिले अगर हम बात करें, नंबर एक कौन सा जिला है सबसे छोटा? धौलपुर। और धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है 3,200। कितना है धौलपुर जिले का? 3,033 या 3,032 भी आ जाता है, 3,034 कर दीजिए इसे, 3,034 वर्ग किलोमीटर।
और कितने प्रतिशत है? 0.89% है। अगर इसके बाद में बात करें, ये आरोही क्रम में इससे बड़ा कौन सा है? दौसा जिला। और दौसा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3432 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर आ जाएगा कौन सा जिला? डूंगरपुर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3770 वर्ग किलोमीटर और इससे बड़ा होगा प्रतापगढ़। और इसका क्षेत्रफल है 4449 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों का क्रम है। लिख दीजिए इसे। तीस हजार 239 करना है इसको, एक क्रम में लिख दीजिए। ये 30,300 लिखा, 287-83 लिखा था ना, 39 है, 39 कई जगह पर अलग अलग मिल जाएगा, 39 सही है, मैंने कई प्रमाणित पुस्तकों में देख रखा है इसको। तो एक क्रम में इसको देख लीजिए आप, लिख दिया ना। अब अगर जैसलमेर जिले की धौलपुर जिले से तुलना की जाए कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल धौलपुर जिले के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, तो जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल धौलपुर से 12.66 गुना, कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। किसका क्षेत्रफल? धौलपुर जिले के क्षेत्रफल से जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। तो लिख दीजिए, नोट डाल के लिखो, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल, या पहले जैसलमेर लिखना, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल धौलपुर जिले के क्षेत्रफल से, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल धौलपुर जिले के क्षेत्रफल से 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। हाँ जी, धौलपुर जिले के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है जैसलमेर का? 12.66 गुना बड़ा है। अगर हम जनसंख्या की बात करें, ये सबने डायग्राम पूरा बना दिया ना सबके पास, कोई दिक्कत? अब सुनिए आगे, अगर जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर जिला है। और जयपुर जिले की जो जनसंख्या है वो 66.26 लाख, और ये कब थी? और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। और जैसलमेर की जनसंख्या है 6.69 लाख। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जयपुर, लिख ले, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जयपुर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला जयपुर व सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जैसलमेर। ये जनगणना के साथ में पूरा लिखाऊंगा, पांच पांच के क्रम में लिखवाने की कह रहे हो ना, वो जनगणना के साथ लिखाऊंगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा लिखा रहा हूं बस यहां। अभी आपके में जनसंख्या दे रखा है और जनसंख्या भूगोल जनांक की टॉपिक और जोड़ दिया आपकी बात, जनांक की विशेषताएं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कारण क्या है। जनसंख्या की चार स्थिति होती हैं, तो
ये यहां तक सबने लिख दिया क्या? अब सुनो, अब अगला जो हमारा बिंदु है आज का वो है संभागीय व्यवस्था, और कुछ भी नहीं लिखना है संभागीय व्यवस्था में, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अरे विद्वानों, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ? कारण देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं महत्वपूर्ण चीजों को अब चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना पीछे वालों। नहीं, ध्यान से सुनना है, अब सिर्फ 10 मिनट सुनना ही सुनना है, समझना है। अगर बात की जाए राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? 18 मार्च 1948 स्थिति को। और सबसे पहले एकीकरण के प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? मत्स्य संघ का। और इसमें कितनी रियासत थी? कितनी रियासत थी? 4। लेकिन अगर पूछ ले एकीकरण के समय, जब पहला चरण था राजस्थान का, एकीकरण प्रारंभ हुआ था, उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी? 19। कितने ठिकाने थे? 3। इन सब को मिलाकर कितने चरणों में एकीकरण हुआ? कितने चरणों में? 7। लेकिन दूसरा 30 मार्च, कौन सी? 30 मार्च 1949। यह सबसे महत्वपूर्ण डेट है। इस तिथि को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कौन सी तिथि को प्रारंभ हुई, उस समय पर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? ये उस समय प्रधानमंत्री थे। ये जो 30 मार्च है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हाँ, राजस्थान दिवस, दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। किस तिथि को? और 8 मार्च को क्या होता है? बस, अरे वसुंधरा राजे का। हाँ, अगर किसी को मिलना है वसुंधरा से तो 8 मार्च को मिल सकता है। अशोक गहलोत से तो मिलना, देखो मिलने के लिए तो तेरा से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैडम से मिलना सौभाग्य की बात होती है। नहीं, 3 मई को आया वो खुशी की बात है, लेकिन देखो आप अपने हिसाब से सोचते हैं सभी। कई लोगों को क्या है कि तोतलिया से मिलना, आप जैसे शिक्षकों को किससे? अशोक गहलोत से मिलना पसंद होगा। अब हमें तो मैडम थोड़ी अच्छी लगी, उनका व्यवहार अच्छा लगा, तो हम तो मैडम से मिलने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं? 8 मार्च को, विश्व महिला दिवस। लेकिन हम जाते दिन के समय ही, 8 तारीख को और 8 बजे बाद, केक कटने के बाद में मैडम का मिलना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा टाइम से मिल लिया करो आप भी वसुंधरा राजे से। और इस तिथि को जितने भी बड़े लीडर हैं वो कहां पर होते? विधानसभा पे। राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम राजस्थान में होता है, वो विधानसभा के गेट पर होता है, पूर्वी गेट पर, तो वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, दक्षिणी गेट पर होता है शायद। अगर बात की जाए, हम आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, 1 नवंबर 1956, ये जो डेट है, इस तिथि को क्या हुआ? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया, राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ? तो अब यहां पर 4 प्रश्न बनेंगे। एकीकरण पूर्ण हुआ, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, 1956 को मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखड़। कौन थे विद्वानों? मोहनलाल सुखड़। प्रथम राज्यपाल के पद का सृजन हुआ, और राज्यपाल के पद का सृजन हुआ तो गुरुमुख निहाल सिंह क्या बने पहले?
मुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने और यह अभी आरएस 2021 का विवादित प्रश्न है। 25 अप्रैल को माना है उसने, जबकि 1 नवंबर को तो घोषणा हुई थी, ऐसा मानते हैं 25 अप्रैल को, और 1 नवंबर को प्रथम राज्यपाल बने थे कौन? गुरमुख निहाल सिंह। इससे पूर्व राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, ए श्रेणी का राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। अगर बात की जाए इस तिथि को राजस्थान में कितने संभाग थे? कितने संभाग थे? 5। और कितने जिले थे? 26। इस तिथि को राजस्थान में कितने संभाग थे? 5। और जिले कितने थे? 26। अब 26वां जो जिला बना था वो 1 नवंबर 1956 को, या 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा जो रियासत थी, अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था, ये 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया था और ये 26वां जिला बना था। अगर बात की जाए दो महत्वपूर्ण प्रश्न, 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने, ये आरएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने, सरकार ने किसको बंद कर दिया? संभागीय व्यवस्था बंद कर दी, व्यवस्था बंद कर दी। और इसको बंद करने के पश्चात बंद कर दी, कब पुनः प्रारंभ हुई? तो 26 जनवरी 1987 को किसकी सरकार थी? हरदेव जोशी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। अब प्रश्न यही बन गया कि अब वर्तमान में जो जिले हैं और संभाग हैं वो कितने हैं? अगर बात की जाए, पहला ऊपर लिख देते हैं हम संभाग, और संभागों की बात करें, पहला कौन सा हो गया? जयपुर। दूसरा कौन सा हो गया? जोधपुर। तीसरा कौन सा हो गया? बीकानेर। चौथा कौन सा हो गया? उदयपुर। और पांचवा कौन सा हो गया? कोटा। कौन सा हो गया? कोटा। ये पांचों संभाग कब थे? 1 नवंबर 1956 को कितने संभाग थे? 5। छठवां संभाग बना अजमेर, और अजमेर को संभाग कब बनाया गया? कब बनाया? 26 जनवरी 1987। किसकी सरकार थी? हरदेव जोशी की सरकार में। तो उस समय संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई और उसी समय कौन सा संभाग बना? अजमेर। और सातवां जो संभाग बना वो कौन सा बना? कब बना? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को प्रतापगढ़ जिला बनाए। किसने बनाए ये? और वसुंधरा राजे ने किसके कहने पर बनाया? वसुंधरा से मुलाकात हुई, वसुंधरा से हमने प्रस्ताव रखा कि भरतपुर को नया संभाग बनाया जाए, तो ये भरतपुर संभाग कब बना विद्वानों? 4 जून 2005 को। और 2005 को किसने बनाया? वसुंधरा राजे की सरकार ने। तो सातवां और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है विद्वानों? भरतपुर संभाग है। तो सबसे नवीनतम संभाग पूछ ले कौन सा है? भरतपुर। ये 7 संभाग हैं। अब जिलों की बात करें, पहले 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31, 32 और 33।
जिले कितने वर्तमान में? 33। 26वां जो जिला बना था वो कौन सा बना? अजमेर। और ये कब बन गया था? 1 नवंबर 1956। राजस्थान एकीकरण के 7वां चरण में ही इसको जिला बना दिया गया। 27वां जिला जो बना था वो कौन सा बना? धौलपुर। और ये धौलपुर जो जिला बना था ये भरतपुर से पृथक हुआ और ये 15 अप्रैल 1982 में कब बना भाई? 1 नवंबर 1956 के बाद जो 27वां जिला बना था वो कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला कौन सा बना? BDR। 12 दौसा और रासम, ये 3 जिले बने। तो जो 12 जिला था ये कोटा से पृथक हुआ, दौसा जिला था जयपुर से पृथक हुआ और राजसमंद जिला उदयपुर से पृथक हुआ। और ये तीनों ही जिले कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में बने। कब बने भाई? 10 अप्रैल 1991 में राजस्थान में 3 नए जिले बने। कौन कौन से? 12, दौसा, राजसमंद। 31वां जिला कौन सा बना बताइए जल्दी से? हनुमानगढ़। कौन सा बना? हनुमानगढ़। और ये हनुमानगढ़ जो जिला बना था वो 12 जुलाई 1994 ईस्वी में बना। इसके बाद ये हनुमानगढ़ किससे पृथक हुआ? श्री गंगानगर से। और 32वां जिला जो बना ये कौन सा बना भाई? करौली। और ये करौली जो जिला बना वो बना 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला सभी जानते हैं प्रतापगढ़, कब बना? 26 जनवरी 2008 को। किसकी सरकार ने बनाया? ठीक, अब वो तो आप पता है सबको। हाँ जी, अगर पूछ ले प्रतापगढ़ जिले में कितनी तहसील है? 5। कितनी तहसील है? 5। 5 कौन कौन सी हैं? अरनोद, छोटी सादड़ी, सादड़ी और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, ये 3 तहसील कौन से जिले से ली गई हैं? तो ये तीनों तहसील चित्तौड़गढ़ जिले से ली है। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़। उसके बाद में एक तहसील है चौथी, धरियाबाद। और ये धरियाबाद तहसील कहां पर है? उदयपुर में, उदयपुर से ली गई है। इसके बाद में एक तहसील है पीपला खूंट या पीपल खूंट, पीपल खूंट। और ये कहां से ली गई है? बांसवाड़ा जिले से ली गई। कहां से? बांसवाड़ा। तो अगर बात की जाए कितने जिलों को तोड़ करके प्रतापगढ़ जिला बना? 3, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। कितनी तहसीलों को मिलाकर के बना? 5 तहसीलों को मिलाकर के नवीनतम जिला प्रतापगढ़ बना। तो यहां तक अब चर्चा लिखना है आपको। लिखिए संभागीय व्यवस्था, क्रमानुसार लिखते जाना। लिखिए राजस्थान का एकीकरण, लिखा हुआ है कोई ना, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ और कोष्टक में लिखना चाहें तो प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? मत्स्य संघ। और कितनी रियासत थी? ABCD 4। लिख दिया ना सबने? ठीक है, नेक्स्ट लाइन से मोस्ट करके लिखिए। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में
संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ 30 मार्च 1949 को, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और उस समय पर कोष्ठक में क्या लिख देंगे, प्रधानमंत्री, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं था, क्या था, प्रधानमंत्री का पद, तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। नोट डालिए, सबने लिख दिया ना, प्रधानमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री, नोट डालो, लिखिए। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, सबने लिख दिया ना, कब एकीकरण पूर्ण हुआ, 1 नवंबर 1956 को। इस तिथि को राजस्थान में, इस तिथि को राजस्थान में 5 संभाग एवं 26 जिले थे, इस तिथि को राजस्थान में 5 संभाग एवं 26 जिले थे, इस तिथि को राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस तिथि को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, इस तिथि को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे, इस तिथि को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना, ठीक है ना, इस तिथि को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना, इस तिथि को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी तीन थी, ए श्रेणी में राज्यपाल का पद था, बी श्रेणी का जब तक राज्य था तो यहां राज प्रमुख का पद था, सातवां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 1956 में, तो जितने भी राज्यों में राज प्रमुख का पद था, राज प्रमुख कौन थे राजस्थान के, मानसिंह जयपुर, और महाराज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह जोधपुर, तो मानसिंह जयपुर जो राज प्रमुख का पद था उसको कर दिया 1956 में समाप्त, और नवीनतम एक पद सृजित किया, कौन सा, राज्यपाल का, और राज्यपाल पहले ही कौन बन गए, गुरमुख निहाल सिंह, तो लिख लेना, इस तिथि को राजस्थान ए श्रेणी का राज्य बना, तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने, गुरुमुख निहाल सिंह बने, लिख दिया ना सबने। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है पहले आरएसजेसी एग्जाम में, तो आपको भी महत्वपूर्ण है लिखना। 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने, क्योंकि सबसे लंबा समय का कार्यकाल किसका रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया का, और सेकंड नंबर पर आ गया अब तोतिल्या, हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रखर वक्ता प्रधान मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत जी, अब आ गए ना सेकंड, 15 साल हो जाएगा। अरे 15 साल, तीसरी बार 1998 से 2003, फिर उसके बाद में 2008 से 2013, और उसके बाद में 18 से 23। सोचिए 15 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसको यशस्वी मुख्यमंत्री श्री श्री 108 श्री अशोक गहलोत जी महाराज को लिखिए, लिख दिया ना। 26 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने, मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 1962 ईस्वी में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया 1962 ईस्वी में। अगली लाइन से लिखना, 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार ने, लिख दिया ना सबने, 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, और नवीनतम संभाग या हम कह सकते हैं अजमेर संभाग का निर्माण किया, और अजमेर संभाग का निर्माण किया, अजमेर संभाग का निर्माण किया। ठीक है, अगला लिखिए। एक तरफ तो आपको संभागों का क्रम लिखना है, और एक तरफ आपको जिलों का क्रम लिखना है। ऊपर जिले लिख देना और संभाग लिख देना, और ये डायग्राम यहां तक नीचे तक बना दो जल्दी से। छाप देंगे ना पूरा इसी क्रम में। एक तरफ तो संभाग, क्योंकि मैंने इनके सामने लिखा नहीं है, ये सभी क्या है, जयपुर संभाग, और ये सभी संभागों का क्रम है, और वो कौन सा है, जिलों का क्रम है। अगर आप और एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो इसमें पृथक करने वाली, जैसे धौलपुर किससे पृथक हुआ तो कोष्ठक में लिख सकते हो, भरतपुर। बारा किससे पृथक हुआ, किससे हुआ, कोटा से, तो आप कोष्ठक में लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इसी क्रम में लिख दीजिए आप।
करौली सवाई माधोपुर से, और अगर बात करें प्रतापगढ़ तीन जिलों को तोड़कर चित्तौड़गढ़ उदयपुर और बांसवाड़ा, एक क्रम में डायग्राम बना के लिख देना, पहले पांच तहसील और उनके नीचे डैश करके लिख लेना जिले। आज कुछ विद्यार्थी कम लग रहे हैं मुझे, एक दो स्टूडेंट शायद एबसेंट हो। देखो सरकार वसुंधरा की आए चाहे अशोक गहलोत की, मास्टरों के तो मजे ही रहने वाले हैं। मैं तो ये कह रहा हूं सातवां वेतन आयोग तो लागू हो ही गया था, तनख्वाह बढ़ी गई थी। मैं तो ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट आए जो भी वो आठवां और लागू कर दे, वेतन आयोग थोड़ी सी बढ़ा दे और सैलरी। 10 साल बाद होगा, 26 के बाद में थोड़ी सी बढ़ेगी सैलरी। चलो बढ़िया है, जितनी बढ़ती रहे वो खुशी की बात है। देखते हैं अब लागू हो गई ओबीएस। अरे क्या बात, सब मास्टर। वैसे एक बात जरूर है, राजस्थान में मास्टरों में जितनी एकता है ना, अब पिछली बार आपको पता है श्री श्री 108 श्री शिक्षा मंत्री जी महोदय, उनको कुछ कैसा बढ़िया जवाब मिला था। अशोक गहलोत ने 3 बार पूछा क्या शिक्षकों से ट्रांसफर के बदले में रिश्वत ली जाती है, और मास्टरों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में आपको पता है अब तो चेंज हो गए ना शिक्षा मंत्री, कौन है, है? बुलाकी दास। हाँ बुलाकी दास कल्ला, ये सब ने छाप दिया होगा। तो अब आगे हम डायग्राम बनाएं, सबसे बड़ी काम था ये, पता है सेंटर गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों ही अलग चल रही थी। पहले सेंटर में पेंशन है और राजस्थान में नहीं थी। इस पेंशन बहाली से जो उम्र होती है ना, एक जैसे अपन कहते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं जब तक तो हमारे पास पैसा है, और नौकरी करने के बाद में हर परिवार में आपको पता है बेटा बेटी जो होते हैं उसके बाद में थोड़ा व्यवहार चेंज होता है। जिस शिक्षक का इतना मान सम्मान है उसको फिर थोड़ी चीजों पर हर हाँ हर सबके लिए है राजस्थान में। लेकिन फायदा देखिए, आप जिस दिन तक आप कार्य कर रहे हैं तब तक तो आपकी तनख्वाह है ही, लेकिन आपके अंतिम चरण में जब ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, भाई आज हम करने लायक हैं, आज कोई भी काम करके हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब हम रिटायरमेंट हो गए, मतलब हमारी उम्र 60+ हो गई, जब हम कार्य करने की क्षमता खो देते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है पैसे की, तब पैसा नहीं मिलता तो दिक्कत आती। अब वो मिलने लगेगा तो फिर आज का संसार पैसे के लिए दौड़ता है, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता। तो इसीलिए पैसा सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है, रोटी कपड़ा मकान ये पहले कहते थे, लेकिन आजकल सबसे बड़ी चीज क्या हो गई है, पैसा। और जिसके पास पैसा है उसके पास सारी चीजें अपने आप आ जाती है, बच्चे भी उसका उतना ही मान सम्मान करते हैं। आप एक काम जरूर करना, जब आप रिटायर्ड हो आपके लिए बहुत मोटी एक राशि मिलेगी, उस राशि को बांटना मत, डिवाइड मत करना, कब तक, जब तक जीवित है। पता है क्या होगा, अपने आप ले, मरने के बाद उनकी ये प्रॉपर्टी हम कहीं लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक उसको डिवाइड नहीं करेंगे ना, आपकी सेवा 5 गुनी बढ़ जाएगी, ये गारंटी है। आराम से जब तक सेवा, क्यों, उनको पता है कि अभी एक एक लिख करके पत्र दे दिया ना राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कि मैं अपनी पूरी इस धनराशि को दान करना चाहता हूं, और लिख करके साइन करके भेज दिया, तो फिर सेवा होगी कि नहीं होगी। बोलो ये शिक्षकों के पास या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई बड़ा ब्रह्मास्त्र है, समझ रहे हो, तो आप अपनी सेवा तब भी करवा सकते हैं।
कौन कह रहा है? पूत सपूत कहा धन सिंचे और पूत कपूत कहा धन सिंचे। अगर पुत्र को आपने अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छे संस्कार दे दिए, तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो बात। अगर उसको आपने कितना भी, और मास्टर कोई छोटे मोटी चीज नहीं होती, कई करोड़ के मालिक होते हैं अगर इंटेलिजेंट है थोड़ा सा। हाँ, बहुत बड़ी चीज है मास्टर, मास्टरों के पास इतना दिमाग होता है, स्कूल में कम लगाते हैं इधर उधर कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है, ये काम करना है, ये काम करना है, दिमाग पूरे दिन इनका कहां पर चलता है सिर्फ। तो इसलिए मैं इन मास्टरों को सबसे ज्यादा, अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए किसी मास्टर को, तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देंगे, ये गारंटी है। क्योंकि हम अनावश्यक चीजों में पैसा खर्च नहीं कर सकते। करते हैं क्या बता दो आप? शिक्षक को कंजूस कहते हैं, क्यों कहते हैं? वो कंजूस नहीं होता, कभी भी शिक्षक कंजूस नहीं होता, वो हर चीज के महत्व को जानता है, वो जिस जरूरत की चीज की ही पैसे खर्च करता है, अनावश्यक पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि उनके पास पूरी ईमानदारी का पैसा आता है, पूरी मेहनत का पैसा है, उसको कैसे बहा दे। अब आप देखे होंगे हमारे पूरे, जैसे मान के चलो एक शिक्षक की पूरे महीने की सैलरी आई 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए के हिसाब से वो प्लान एग्जीक्यूट करेगा कि ये कार्य मुझे करने हैं। लेकिन आप सोचिए, एक बड़े नेता हैं, एक दिन में, एक रात्रि का उदाहरण, तो एक रात में, एक दिन में वो करोड़ों में पैसे खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे खर्च कर देते। क्यों? क्योंकि उनके पास में अनावश्यक धन आ रहा है, बिना मेहनत का धन है। हम मेहनत का है तो हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो क्या? एक महीने की सैलरी को एक दिन में खर्च कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो कितना मेहनत से आया है। और उनके पास में, व्यापारियों के पास में, या नंबर दो के काम करने वाले कितना भी पैसे को उड़ा सकते हैं। क्यों? उनके पास ईमानदारी का है ही नहीं। तो इसलिए हमारे देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, हमारे देश को टॉप लेवल पर लाना है, तो शिक्षा को 100% कर दो, शिक्षा के स्तर को बढ़ा दो। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तीनों ही कौन बना दो? जितने भी शिक्षित हैं। और एक परीक्षा होनी चाहिए इन पदों के लिए, पात्रता परीक्षा, कि ये नेता बनने लायक हैं या नहीं है। एक पात्रता परीक्षा जैसे मास्टरों की होती है ना, ऐसे इन नेताओं की पात्रता परीक्षा होने लग जाए ना, और इनकी भी आयु सीमा निर्धारित कर दी जाए, तो मजे हो जाए। फिर देखना मास्टरों की बल्ले बल्ले, हर एक पॉलिटिकल का मास्टर हर एक बड़े नेता बनने का भागीदार होगा, तो हम सब लोग नेता बन जाएंगे तब। प्रयास सही है ना मेरा? चलो आगे लिखिए, अब इतना ही करेंगे हम। देखिए, हम मानचित्र से बात करें, कितने संभाग है विद्वानों? 5 जी। ये पहला संभाग कौन सा है? कौन सा संभाग है? बीकानेर। हाँ जी, कितने संभाग हो गए? अब सुनिए, सबसे पहले मैं बात करूं ये कौन सा संभाग है, और बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? अगर बात की जाए बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4। ट्रिक से याद रखेंगे, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, इन 4 जिलों को मिलाकर के कौन सा संभाग बना? दूसरा संभाग जो होगा वो कौन सा होगा? जोधपुर। संभाग का नाम क्या होगा? जोधपुर। कितने जिले हैं विद्वानों? 6। JJBSP, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। इसके बाद में अगर बात की जाए यहां पर कौन सा संभाग होगा, और उदयपुर संभाग में भी कितने जिले? 6। यहां पर कौन सा संभाग होगा, और कोटा संभाग में कितने जिले? 4। यहां पर कौन सा संभाग होगा? भरतपुर। और भरतपुर में कितने जिले हैं? 4। यहां पर कौन सा संभाग होगा? अजमेर। कितने जिले हैं, और यहां पर कौन सा संभाग होगा? जयपुर। और जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5। अब एक एक संभाग की हम चर्चा करें, ये संभागों का मानचित्र है।
प्रिंटेड मानचित्र आपको उपलब्ध करा देंगे, पीडीएफ से भी समझा देंगे। अब बात करें हम एक एक, सबसे पहला संभाग कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? चार। और ट्रिक से याद रख सकते हैं, बिग चूहा, ये चार जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तीन चार प्रकार के प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला, राजस्थान का उत्तरी संभाग, दक्षिणी संभाग, पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग। अगर पूछ ले राजस्थान में गग्गर का मैदान कौन से संभाग में, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कौन से संभाग में, अगर पूछ ले न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि न्यूनतम कहां पर रहती है? न्यूनतम बीकानेर में। और सर्वाधिक कहां पर रहती है? जोधपुर में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग जोधपुर, और न्यूनतम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। अगर पूछ ले सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सॉरी अनुसूचित जाति एससी संख्या कहां पर है? बीकानेर में। और प्रतिशत कहां पर है? बीकानेर में। और संख्या कहां पर है? जयपुर में। संख्या कहां पर है? जयपुर में। अगर कहीं पर पूछ ले दूसरा संभाग कौन सा होगा? जोधपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जोधपुर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। अगर पूछ ले सर्वाधिक मरुस्थलीय भूमि का प्रसार, सबसे अनुपजाऊ मिट्टी, सबसे कम वर्षा, जोधपुर संभाग में। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा होगा? उदयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा क्या बोल, अनुसूचित जनजाति एसटी सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? और सर्वाधिक वन संपदा कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है? सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। अगर बात की जाए कोटा संभाग में कितने जिले हैं? चार। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा कोटा, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा नवीनतम संभाग भरतपुर। सबसे ज्यादा काली मिट्टी का प्रसार कौन से संभाग में? अगर पूछ ले सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, सर्वाधिक नदियां कहां पर प्रवाहित होती हैं? कोटा संभाग में प्रवाहित होती हैं। आद्र जलवायु पाई जाती है, अति आद्र भी रखते हैं। भरतपुर संभाग ये राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। एमपी, यूपी और हरियाणा तीनों राज्यों से किसकी सीमा? भरतपुर संभाग की। अगर पूछ ले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी किस संभाग में पाई जाती है? भरतपुर संभाग में पाई जाती है, सबसे नवीनतम है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा होगा? भरतपुर। और अगर पूछ ले जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा? जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा होगा? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता कहां पर पाई जाती है? जयपुर में। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, ये पांच जिले हैं। और साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर में। अब प्रश्न पूछ रहे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का संख्या कहां पर पाई जाती है? जयपुर में। तो चार पांच, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है जोधपुर। तो सबसे पहले डायग्राम बना दिया क्या आप लोगों ने? बना दिया तो लिखिए बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग सामने डैश करके लिखना, कितने जिले हैं? चार। और ट्रिक लिख देना बिग चूहा। ठीक है ना, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, चारों जिलों के नाम लिख दीजिए, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। यह राजस्थान का उत्तरी संभाग है, यह राजस्थान का उत्तरी संभाग है, यह राजस्थान का उत्तरी संभाग है। इस संभाग में घग्गर का मैदान फैला हुआ है,
इस संभाग में घग्गर का मैदान फैला हुआ है, घग्गर का मैदान फैला हुआ है, इस संभाग में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, इस संभाग में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, इस संभाग में जनसंख्या की, इस संभाग में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है, इस संभाग में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है, इस संभाग में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कहां पर है? बीकानेर संभाग में। जिला विशेष आएगा तो श्रीगंगानगर में 10% थी 2011 की जनगणना में। इस संभाग में अनुसूचित जाति SC का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, अनुसूचित जाति SC का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो आगे ये जो संभाग है यहां तक की चर्चा ही करेंगे, आगे कल चर्चा करेंगे, ठीक है, और कोई भी संभागों से संबंधित प्रश्न होगा वो भी कल हम आगे चर्चा कर लेंगे। जी